जिला डोडा के कास्तीगढ़ पंचायत शामखी के चुकान गांव में एनजीओ वर्क एनजीओ नवोदय एक्सप्रेस हेल्पिंग चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से चुकान गांव के आसपास रहने वाले बच्चों को शिक्षा के महत्व को देखते हुए उनमें मुफ्त स्टेशनरी प्रदान की गई। इसके अलावा आयुष विभाग की ओर से लोगों को निःशुल्क दवा भी प्रदान की गई। इस मौके पर डॉक्टर मसूद इकबाल जरगर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। हम सब के बीच इतनी खुशियां हैं कि हमारी खुशियों की कभी शाम ना हो। मैं चाहूंगा हमारे एक छोटे से गांव का दौरा किया। मैं अपनी स्पीच को कुछ थोड़े से शब्दों में बयान करना चाहती हूं कि खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको, कि खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको, चढ़ता हुआ सूरज रोशनी दे आपको। हम तो कुछ दे ना सके लेकिन आने वाले हर सवन खुशी दे आपको। यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरी तरफ से यहाँ एनजीओ वर्क और नवोदय एक्सप्रेस हेल्पिंग चार्टेबल ट्रस्ट की तरफ से प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। इन सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और आज हम बहुत ही खुश हैं कि हमारे क्षेत्र के साथ के महान समाज सेवक डॉक्टर मसूद इकबाल जरगर जी और श्री हरदेव सिंह मनास जी एंड श्री बंसीलाल जी ने जो कीमती समय निकाल के और यहाँ का दौरा किया, यहाँ आए इसी के लिए इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और आए हुए सभी मेहमानों को दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। और डॉक्टर साहब की तरफ से हम भी इसमें पीछे टांग अड़ाए हुए हैं। मैं तो बहुत खुश हुआ सुबह जब आया मैंने इन बच्चों को देखा, तो मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं पूछूं कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि दो साल से देख रहे हो आपके इस वबाई बीमारी ने पूरा एजुकेशन में कोहराम मचा के रखा है। सबसे अगर ज़्यादा अगर कोई चीज़ गिरी है तो वो एजुकेशन। तीसरा साल चल रहा है, बच्चा अगर केजी में दाखिल हुआ है तो आप सेकंड में रिकॉर्डेड जो है वो सेकंड या थर्ड में जा रहा है, लेकिन वो नाम का ही है। जो बच्चों ने स्कूल में हासिल किया था, जो फिफ्थ वाले बच्चे हैं या सिक्स में जो चले गए हैं, जो स्कूल में पढ़ाया गया था उनको ए बी वन टू अलिफ पे आ, तो अगर आज मैं अपने बच्चों को पूछता हूँ घर में तो लगभग वो 90-99% वो हो चुके हैं, क्योंकि वो घरेलू कामों की उलझनों में फंस चुके हैं। तो मैं अपनी तरफ से भी इनको इनका लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। जो मैम इसे पढ़ा रही है तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सबके सामने, क्योंकि उनकी कारकर्दगी देखी मैंने, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो इन्हें पास से मैं आपको